पाठशाला। आज की वीडियो का टॉपिक है सेलेक्टिव डिस्चार्ज ऑफ आयंस एंड इलेक्ट्रॉन्स। तो गाइस, इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के टाइम पर कौन से आयन पहले डिस्चार्ज होते हैं इलेक्ट्रॉन्स पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइस, जैसा कि मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि इलेक्ट्रोलिसिस के टाइम पर जो इलेक्ट्रोलाइट होता है उसमें एनायंस और कैटायंस दोनों ही आयंस प्रेजेंट होते हैं। अब जब इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो जो कैटायंस होते हैं वो कैथोड की तरफ माइग्रेट करते हैं और जो एनायंस होते हैं वो एनोड की तरफ माइग्रेट करता है। अब मान के चलिए कि इलेक्ट्रोलाइट में दो या फिर दो से ज्यादा कैटायन प्रेजेंट है और सेम दो या दो से ज्यादा एनायंस प्रेजेंट है। तो गाइस, अब बात आती है कि कौन सा कैटायन और कौन सा एनायन कैथोड और एनोड की तरफ माइग्रेट करेगा और कौन सा डिस्चार्ज होगा। तो गाइस, जब दो या दो से ज्यादा कैटायन्स और एनायंस प्रेजेंट होते हैं तो जितने भी कैटायन्स होते हैं वो सभी कैथोड की तरफ माइग्रेट करते हैं और जितने भी एनायंस होते हैं वो सभी एनोड की तरफ माइग्रेट करता है। बट डिस्चार्ज कौन होता है? तो गाइस, इस बेसिस पर जो डिस्चार्ज होता है थ्री मेन फैक्टर्स होते हैं। कौन सा आयन पहले डिस्चार्ज होगा ये डिपेंड करता है थ्री मेन फैक्टर्स पर। तो देखिए, फर्स्ट फैक्टर है द रिलेटिव पोजीशन ऑफ आयंस इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। गाइस, इससे पहले वाली वीडियो में मैं आप लोगों को इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज समझा चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो गाइस, जैसा कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में कैटायंस और एनायंस दोनों की मैंने आप लोगों को बताया था कि जो कैटायन और एनायंस सीरीज में नीचे की साइड आता है, मतलब जिसकी लोअर पोजीशन होती है, वो पहले डिस्चार्ज होता है। ठीक है, तो फर्स्ट जो फैक्टर है वो क्या है? आयन की रिलेटिव पोजीशन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में। अब इसको मैं आप लोगों को एक एग्जांपल की हेल्प से समझाती हूँ। गाइस, यहाँ पे मैंने थ्री इलेक्ट्रोलाइट लिए हैं। फर्स्ट डाइल्यूट सॉल्यूशन CuSO4 का, देन डाइल्यूट सॉल्यूशन H2SO4 का एंड देन डाइल्यूट सॉल्यूशन NaCl का। ठीक है, अब यहाँ पे हम लिखेंगे जो डिसोसिएशन रिएक्शन होगी इलेक्ट्रोलाइट में वो क्या होगी। गाइस, जो CuSO4 है ये डिसोसिएट होगा Cu2 पॉजिटिव में प्लस SO4 2 नेगेटिव में। एंड सॉल्यूशन है इसका तो ऑब्वियसली वाटर में ही सॉल्यूशन बनेगा, तो वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो भी डिसोसिएट होंगे H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव में। तो ठीक है, ये होगी इसकी डिसोसिएशन रिएक्शन। अब H2SO4 की देखते हैं। तो गाइस, जो H2SO4 होगा रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, ये ब्रेक होगा 2H पॉजिटिव में प्लस SO4 2 नेगेटिव में, ये आयंस फॉर्म होंगे प्लस वाटर तो होगा ही होगा क्योंकि सॉल्यूशन है, तो ये ब्रेक हुआ H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव में। ठीक है, अब लास्ट आते हैं NaCl पर। तो गाइस, जो NaCl है ये ब्रेक हुआ Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव पर एंड H2O तो प्रेजेंट हो गई होगा, H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। तो ये हो गई इनकी डिसोसिएशन रिएक्शन जो कि इलेक्ट्रोलाइट के अंदर होगी। अब गाइस, जब इलेक्ट्रिक करंट पास होगा तो कौन से जो कैटायंस है वो कैथोड की तरफ माइग्रेट करेंगे और कौन से एनायंस एनोड की तरफ माइग्रेट करेंगे। तो हम लिखते हैं आयंस माइग्रेटिंग एट कैथोड। कैथोड की तरफ कौन से आयंस माइग्रेट करते हैं? कैटायंस करते हैं। तो गाइस, अगर हम पहले वाला केस देखें तो इसमें कैटायंस कौन कौन से हैं? Cu2 पॉजिटिव एंड H पॉजिटिव, एक ये है एक ये है। ठीक है, मैंने आप लोगों को बताया था कि माइग्रेट जो भी कैटायन होते हैं वो सभी करते हैं। सेम अगर एनायन की बात करते हैं तो जो भी एनायन होते हैं वो सभी माइग्रेट करते हैं एनोड की तरफ। ठीक है, तो ये जो दोनों आयंस हैं ये दोनों ही कैथोड की तरफ माइग्रेट करेंगे। सेम अगर हम इसमें देखें तो गाइस, इसमें पॉजिटिव जो आयन है वो सिर्फ एच पॉजिटिव है, तो इस केस में ओनली एच पॉजिटिव कैटायन फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो सिर्फ यही माइग्रेट करेगा। अगर इस केस में देखें तो एक ये है कैटायन और एक ये है कैटायन, तो ये दोनों ही माइग्रेट करेंगे, Na पॉजिटिव भी करेगा
और एच पॉजिटिव भी करेगा, माइग्रेट मतलब कैथोड की तरफ ये दोनों ही जाएंगे, ठीक है। अब बात आती है कौन सा आयन डिस्चार्ज होगा कैथोड पर। डिस्चार्ज होने का मतलब है कि इन दोनों में से, अगर हम इन दोनों की बात कर रहे हैं, तो इन दोनों में से कौन सा कैटायन कैथोड पर जाके पहले इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा, क्योंकि जो कैटायन होते हैं वो कैथोड पर जाते हैं, वहां से इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, गेन करते हैं। तो कौन पहले गेन करेगा? तो गाइस अगर हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखें, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो Cu2 पॉजिटिव है ये नीचे की साइड आता है H पॉजिटिव से, ठीक है। जो लोअर पोजीशन होती है वो किसकी होती है, Cu2 पॉजिटिव की। तो कौन डिस्चार्ज होगा? Cu2 पॉजिटिव डिस्चार्ज होगा, ठीक है। अगर हम इसमें बात करें तो इसमें ऑब्वियसली सिर्फ H पॉजिटिव ही है, तो डिस्चार्ज भी H पॉजिटिव ही होगा। अगर हम इन दोनों केस की बात करते हैं, तो इस केस में जो H पॉजिटिव है वो नीचे की साइड आता है, इसकी लोअर पोजीशन होती है, और N जो पॉजिटिव है वो ऊपर की साइड आता है। तो ऑब्वियसली इसमें भी कौन डिस्चार्ज होगा? H पॉजिटिव होगा, क्योंकि इसकी लोअर पोजीशन है, क्लियर। अब बात करते हैं आयंस दैट माइग्रेट टू एनोड। एनोड की तरफ कौन से आयंस माइग्रेट करेंगे? तो एनोड की तरफ जो एनायंस होते हैं वो माइग्रेट करते हैं, जिसमें नेगेटिव चार्ज होता है। अब अगर हम फर्स्ट केस में देखें तो नेगेटिव चार्ज वाले कौन कौन से हैं? एक ये है और एक ये है। तो माइग्रेट कौन करेगा? दोनों ही करेंगे। SO4 नेगेटिव भी करेगा एंड OH नेगेटिव भी करेगा। सेम अगर हम इस केस में देखें तो इसमें भी यही दो है, तो दोनों ही करेंगे, SO4 नेगेटिव भी करेगा माइग्रेट और OH नेगेटिव भी करेगा। अगर हम इस केस में देखें तो एक ये है और एक ये है, तो ये दोनों ही करेंगे, Cl नेगेटिव भी करेगा और OH नेगेटिव भी करेगा। अब बात आती है कि कौन सा आयन डिस्चार्ज होगा एनोड पर, मतलब कौन सा इनमें से जो एनायन है, अगर हम इन दोनों केस की बात करते हैं, तो कौन सा जो एनायन है वो एनोड पर जाएगा और सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। तो गाइस अगर हम एनायन की इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखें, तो उसमें जो OH नेगेटिव होता है उसकी लोअर पोजीशन होती है एज कंपैरिजन टू SO4 नेगेटिव, तो इस केस में कौन डिस्चार्ज होगा? OH नेगेटिव। अगेन इस केस में भी कौन होगा? OH नेगेटिव। और इस केस में भी कौन होगा? OH नेगेटिव होगा, क्योंकि अगेन OH नेगेटिव की लोअर पोजीशन होती है एज कंपैरिजन टू Cl नेगेटिव। तो तीनों ही केस में एनोड पर जो डिस्चार्ज हो रहा है वो कौन हो रहा है? OH नेगेटिव हो रहा है, ठीक है। तो गाइस आपने देखा कैसे हमें पता चला कि कौन डिस्चार्ज होगा, क्योंकि माइग्रेट तो सभी करते हैं, पर डिस्चार्ज कौन होगा, तो जो पहला फैक्टर है वो है जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है उनमें उसकी पोजीशन क्या है। तो अगर लोअर पोजीशन होती है तो वो डिस्चार्ज होता है। अब गाइस यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान रखनी है, यहाँ जो हमने सॉल्यूशन लिया वो हमने डाइल्यूट लिया है, कंसेंट्रेटेड नहीं है, ठीक है। तो ये केस कब होगा? जब हम डाइल्यूट सॉल्यूशन ले रहे हैं, ये चीज ध्यान रखिएगा। अब हमने कंसेंट्रेटेड क्यों नहीं लिया वो भी मैं अभी आप लोगों को बताऊंगी, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट जो सेकंड फैक्टर है जो डिपेंड करता है वो है कंसेंट्रेशन ऑफ आयंस इन द इलेक्ट्रोलाइट। गाइस कोई भी इलेक्ट्रोलाइट में किसी भी आयन का कंसेंट्रेशन क्या है तो उस पे भी ये डिपेंड करता है, मतलब इलेक्ट्रोलाइट में कौन सा आयन ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है उस पे भी ये डिपेंड करता है। तो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल के हेल्प से समझाती हूँ आपको। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कंसेंट्रेटेड NaCl सॉल्यूशन। गाइस अब हम यहाँ पे एग्जांपल देखेंगे इलेक्ट्रोलिसिस का, किसका? कंसेंट्रेटेड NaCl सॉल्यूशन का, मतलब जो सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन है वो कैसा है? कंसेंट्रेटेड है, ठीक है। जो इलेक्ट्रोलाइट हमने लिया है वो लिया कंसेंट्रेटेड NaCl सॉल्यूशन। डिसोसिएशन जो होगा इलेक्ट्रोलाइट में वो क्या होगा? देखिए जो NaCl है ये ब्रेक होगा Na पॉजिटिव में प्लस Cl नेगेटिव में, एंड वाटर तो ऑब्वियसली प्रेजेंट होगा क्योंकि सॉल्यूशन है, तो ये ब्रेक हुआ H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव में। अब गाइस यहाँ पे जो हमने सॉल्यूशन दिया है वो कंसेंट्रेटेड दिया है। कंसेंट्रेटेड का मतलब है कि जो NaCl है वो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है और जो वाटर है वो कम अमाउंट में प्रेजेंट है। तो ऑब्वियसली अगर NaCl ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है तो ये जो दोनों आयंस हैं NaCl वाले Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव ये सॉल्यूशन में ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होंगे, और ऑब्वियसली वाटर कम है तो ये जो दोनों आयंस हैं वो कम अमाउंट में प्रेजेंट होंगे, क्लियर। अब कौन सा आयन माइग्रेट करेगा कैथोड की
ठीक है टाइम्स करते हैं। ओके टाइम्स कौन कौन से है? ये दोनों है, तो ये भी करेगा एन ए पॉजिटिव भी करेगा और एच पॉजिटिव भी करेगा। अब बात आती है कि डिस्चार्ज कौन होगा कैथोड की तरफ। गाइस अगर हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखें तो ऑब्वियसली उसमें एच पॉजिटिव नीचे की साइड आता है, तो एच पॉजिटिव को डिस्चार्ज होना चाहिए, बट नहीं, यहाँ पे डिस्चार्ज कौन होगा? एन ए पॉजिटिव होगा। क्यों होगा? क्योंकि इस सॉल्यूशन में जो एन ए पॉजिटिव है इसका कंसेंट्रेशन ज्यादा है एज कंपेरिजन टू एच पॉजिटिव। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमने जो सॉल्यूशन लिया है वो कंसेंट्रेटेड लिया है, तो कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन लेने की वजह से जो एन ए पॉजिटिव और सी एल नेगेटिव आइंस है ये ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है एज कंपेरिजन टू एच पॉजिटिव एंड ओ एच नेगेटिव। तो इस वजह से यहाँ पे ये आयन कम है, एन ए पॉजिटिव आयन ज्यादा है, तो डिस्चार्ज कौन होगा? एन ए पॉजिटिव होगा। क्लियर? अगर हम एनोड पे माइग्रेशन की बात करते हैं तो ये दोनों ही आयन एनोड पे माइग्रेट होंगे, सीएल नेगेटिव भी होगा और ओएच नेगेटिव भी होगा, बट डिस्चार्ज कौन होगा एनोड पर? सीएल नेगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि Cl नेगेटिव का कंसेंट्रेशन ज्यादा है एज कंपेरिजन टू OH नेगेटिव, इस वजह से कौन डिस्चार्ज हुआ? Cl नेगेटिव हुआ। क्लियर? मैंने आपको बताया था कंसेंट्रेशन वाला केस भी मैं बताऊंगी। यहाँ पे हमने डाइल्यूट NaCl लिया था, तो आप देख सकते हो डाइल्यूट में जो डिस्चार्ज हुए थे आयंस वो अलग थे, एंड जब हमने कंसेंट्रेटेड NaCl सॉल्यूशन लिया तो जो आयन डिस्चार्ज हो रहे हैं वो अलग है। ठीक है, तो ये दोनों अलग अलग फैक्टर है। अगर हम डाइल्यूट सॉल्यूशन ले रहे हैं तो ये वाला फैक्टर देखना है, और अगर हम कंसेंट्रेटेड ले रहे हैं तो हमें कंसेंट्रेशन देखना है। क्लियर? तो गाइस ये दो फैक्टर हो गए। अब जो लास्ट थर्ड फैक्टर है वो भी मैं आपको बताती हूँ, बट उससे पहले इसको नोट कर लीजिए। गाइस अब जो थर्ड फैक्टर है वो है नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोड यूज। हम इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में कौन सा इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हैं, क्या नेचर है उसका, उस पर भी आयन का जो डिस्चार्ज होता है वो डिपेंड करता है। अब जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं वो या तो मेटल की रॉड्स हो सकती है, प्लेट हो सकती है, वायर्स हो सकते हैं, या फिर ग्रेफाइट की रॉड या प्लेट हो सकती है, तो उसको हम एज अ इलेक्ट्रोड यूज करते हैं। अब गाइस जो हम इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हैं प्रोसेस में वो दो टाइप के हो सकते हैं, या तो इनर्ट हो सकता है या फिर एक्टिव हो सकता है। जो इनर्ट इलेक्ट्रोड्स होते हैं वो इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। याद रखें, जो इनर्ट इलेक्ट्रोड होते हैं विल नॉट टेक पार्ट इन द इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन। इलेक्ट्रोलाइटिक जो रिएक्शन होती है उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो जो इनर्ट इलेक्ट्रोड होते हैं वो या तो ग्रेफाइट के बने होते हैं या फिर प्लैटिनम के होते हैं, क्योंकि जो ग्रेफाइट और प्लैटिनम होता है वो इलेक्ट्रोलाइटिक जो रिएक्शन होती है उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। अब कहीं कहीं पर ग्रेफाइट की जगह कार्बन रॉड भी लिखा होता है, कार्बन रॉड। तो गाइस कंफ्यूज मत होइए, क्योंकि ग्रेफाइट को कार्बन रॉड भी कहा जाता है। जो ग्रेफाइट होती है ये कार्बन की ही फॉर्म होती है, तो कार्बन रॉड मतलब ग्रेफाइट ही हो गया, तो उस चीज में कंफ्यूज मत होइएगा। क्लियर? तो जो इनर्ट इलेक्ट्रोड होते हैं वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, बट अगर जो इलेक्ट्रोड है वो एक्टिव है, तो जो एक्टिव इलेक्ट्रोड होते हैं वो एक्टिव मेटल से मिलकर बने होते हैं, जैसे कि कॉपर हो गया, निकल हो गया, सिल्वर हो गया, मतलब जो कैथोड और एनोड हम यूज कर रहे हैं वो इन मेटल से मिलकर बने होते हैं। तो गाइस ये जो एक्टिव इलेक्ट्रोड होते हैं ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली ये एक्टिव मेटल्स हैं। अगर मान के चलिए जो कैथोड और एनोड है वो कॉपर का बना हुआ है, तो उस केस में जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो डिफरेंट होगा। क्यों? क्योंकि जो कॉपर है वो एक्टिव है, मतलब जो कॉपर है वो जो इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन हो रही है उसमें पार्टिसिपेट करेगा, तो उस केस में जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो डिफरेंट होगा। अगर हम इनर्ट इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हैं, मतलब ग्रेफाइट का या फिर प्लैटिनम का यूज कर रहे हैं, तो कौन सा आयन डिस्चार्ज होगा फिर वो डिपेंड करेगा जो पहले के दो फैक्टर्स होते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आयन की पोजीशन क्या है और क्या कंसेंट्रेशन है, तो उस पर डिपेंड करेगा। बट अगर हम एक्टिव इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हैं, मतलब इन मेटल का इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हैं, तो उस केस में जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो फिर डिफरेंट होगा। क्लियर? तो गाइस ये थ्री फैक्टर्स हो गए, इन तीनों फैक्टर्स को याद रखिएगा और इसको नोट कर लीजिए। गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करिए।
तो अब मैं आपसे मिलती हूँ मेरी अपकमिंग वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक बने रहिए मेरे साथ, और हाँ, मेरे साथ बायोकेमिस्ट्री पढ़ते रहो ना, एंड बी सेफ फ्रॉम कोरोना।